जब हम बात करते हैं मेंटल इश्यूज की, तो हम देखिए इसके लिए दो ऑप्शंस होते हैं। या तो हम इश्यूज को लेकर हम खुद काम करते हैं, राइट। दूसरा ऑप्शन होता है जब हम किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। अलग अलग मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग थेरेपिस्ट हैं जो अलग अलग थेरेपीज प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ पर हमें हेल्प मिलती है और अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज को हम ओवरकम करवा पाते हैं। लेकिन हमें क्या हर छोटी छोटी या बड़ी बड़ी समस्या के लिए थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए? देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है, वो कौन से सरकमस्टांसेस है, वो कौन से सिचुएशंस है जब हमें कोई थेरेपिस्ट के पास जाके थेरेपी नहीं लेनी है। तो सबसे पहला आ जाता है जब आप एक अब्यूजिव रिलेशनशिप के अंदर हैं और आप सोच रहे हैं कि हमें कपल काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए। देखिए, आप इस चीज़ को समझे, अब्यूजिव रिलेशनशिप जहाँ पर आपको अब्यूज़ किया जाता है, यानी कि हो सकता है फिजिकल अब्यूज़ हो, इमोशनल अब्यूज़ हो, वर्बल अब्यूज़ हो, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। आप अपने पार्टनर के साथ अनसेफ महसूस करते हैं, डर लगा रहता है और आपको लगता है कि जब हम कपल थेरेपी करवाएंगे तो फिर हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। सिचुएशन दरअसल वैसी नहीं है जैसा हमें लगता है। ये तो हमारा प्यार है इसलिए हम चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए, राइट। बट जो वो अब्यूज़र है वो आपकी सारी कमजोरियों के बारे में जानता है, यानी कि आपकी जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनके बारे में उसको सब पता है। उसको पता है कि आपको कैसे मैनिपुलेट करना है, उसको पता है सोसाइटी के आगे उसको कैसा फेस प्रेजेंट करना है जिससे सारा ब्लेम आपके ऊपर चले जाए। लेकिन जब एक बंद कमरे की बात आती है तब वो आपके ऊपर दोबारा से सेम टॉर्चर रिपीट करते हैं। और अगर हम उस पॉइंट पे फिर से सोचते हैं कि हमें कपल काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए, इस सिनेरियो में कपल काउंसलिंग आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं करेगी। बट इस जगह पर अगर आप पर्सनल थेरेपी करवाने जाते हैं अपने खुद के लिए, राइट, मैं ये नहीं कह रहा इससे आप रिलेशनशिप से बाहर आ जाएंगे। पर्सनल थेरेपी होती है जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस होता है, हमारा सेल्फ एस्टीम होती है, जो फियर और जो ट्रॉमास हमारे अंदर डेवलप हो गए हैं उनको ओवरकम करवाने के लिए जो पर्सनल थेरेपी होती है, यहाँ पर वो ज़्यादा रिकमेंडेबल है। बट कपल काउंसलिंग इस सिचुएशन में कोई काम नहीं करेगी। दूसरी सिचुएशन आ जाती है कि आपके खुद के अंदर से वो अर्ज नहीं है कि थेरेपिस्ट जो जो मुझे काम करने के लिए कहेंगे घर पे वो शायद मैं कर पाऊँ या मैं शायद ना कर पाऊँ, तो ये डाउट मन में बना रहता है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो मोटिवेशन की कमी है, राइट। जब ऐसे कोई सरकमस्टांसेस हैं आपकी लाइफ में जहाँ पर आप थेरेपी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं और ना ही आपके अंदर ये है कि आप उसको आगे जाके सीरियसली लेंगे, तो हमें फिर वहाँ पे थेरेपी नहीं लेनी। क्यों आप अपना समय और अपना पैसा बर्बाद करवाना चाहते हैं, राइट। मेंटल थेरेपी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपका इमोशनल और फिजिकल कॉन्ट्रीब्यूशन 100% होना चाहिए, थेरेपी के दौरान भी और जब घर जाते हैं तब भी। डेली थेरेपी तो होती नहीं है, एक रेगुलर एक ब्रेक के बाद हमारे थेरेपी सेशंस रखे जाते हैं। कुछ लोग हफ्ते का ब्रेक लेते हैं, कुछ 2 हफ्ते का, कुछ 10 दिन का, कुछ 3 हफ्ते का, अलग अलग थेरेपी के हिसाब से वो साइकिल बना रहता है। अब यहाँ पर आप देखिए, जब इस तरह के सर्कमस्टांसेस होंगे जहाँ पर आप थेरेपी को सीरियसली नहीं लेंगे, घर पे वो होमवर्क नहीं करेंगे, बस एक फैशन के रूप में समझ रहे हैं कि थेरेपी ले रहे हैं जस्ट टू बिकम कूल, तो उस सिचुएशन में प्लीज़ थेरेपी ना लें। आपका थेरेपी के ऊपर से भरोसा भी हटेगा, आप थेरेपी में विलिंगली अपना कंट्रीब्यूशन भी नहीं दे पाएंगे और ये पूरा जो रैपो बिल्डअप होता है ख़त्म हो जाता है। अब देखिए, तीसरा पॉइंट आ जाता है जब आप कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम लेके किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं जहाँ पर उनकी एक्सपर्टीज नहीं है, तब भी प्लीज़ वहाँ पे ना जाए। मेरा एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कोई छोटा बच्चा है घर पे, उनके साथ कुछ इश्यूज हैं और आप सोच रहे हैं कि किसी थेरेपिस्ट के पास ले जाके उन इश्यूज़ को हम रिजॉल्व करवाते हैं, लेकिन जो थेरेपिस्ट हैं वो छोटे बच्चों में उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। बेसिक नॉलेज हर दूसरे थेरेपिस्ट के पास होती है, लेकिन एक्सपर्टीज़ एक अलग बात होती है। वहाँ पर अगर कोई आप चाइल्ड काउंसलर, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर हेल्प मिलेगी एज़ कम्पेयर टू जनरल साइकोलॉजिस्ट और जनरल थेरेपिस्ट, राइट। एक्सपर्टीज़ क्या है चाइल्ड वाले की, तो यहाँ पर हमें ये देखना है जो हमारे साथ प्रॉब्लम है तो क्या वो थेरेपिस्ट के पास उस प्रकार की नॉलेज या स्किल्स या एक्सपीरियंस है जहाँ पर वो हमारी हेल्प कर सके। अगर आप डी एडिक्शन के लिए जाते हैं कहीं पर, यानी कि एडिक्टेड हैं आप अल्कोहल के, स्मोकिंग के, किसी भी चीज़ के आप एडिक्ट हैं, आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं जो बिल्कुल भी एडिक्ट्स में डील नहीं करते हैं, तो वहाँ पर भी देखो अनइवन मैच है। थेरेपिस्ट की इसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है, उनकी एक्सपर्टीज है, वो नहीं लेते ऐसे केसेस क्योंकि उनको कंफर्टेबल नहीं है या वो नहीं लेना चाहते, राइट। उनको लगता है कि उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड वो ज़्यादा अच्छे किसी रिलेशनशिप काउंसलिंग में हो सकते हैं, तो उन्होंने अपना एक तरीके ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट वो बना लिया, अपना MVP उन्होंने वो बना लिया। वहाँ पर हो सकता है वो एडिक्शन को लेकर अच्छे से काम ना कर पाए, तो इसलिए हमने देखना है जिस भी थेरेपिस्ट को कंसल्ट कर रहे हैं क्या उनके पास प्रायर नॉलेज या स्किल है इस चीज़ को डील करने के लिए। अगर वो 100% ओके है, यानी कि आपको हर जगह टिक मार्क मिल रहे हैं, तो ही फॉरवर्ड चले।
लास्टली, अगर आप एक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, आपकी थेरेपी साइकिल शुरू हो चुकी है, एक दो सेशन के बाद आपको फील हो रहा है कि जो थेरेपी है उसमें आपके इश्यूज को कम एड्रेस किया जा रहा है, और जो थेरेपिस्ट है वो अपनी पर्सनल स्टोरीज को, पर्सनल एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा शेयर कर रहा है लाइक अ सेल्समैन, राइट? यानी कि यहाँ पर आपका जो थेरेपिस्ट है वो आपकी प्रॉब्लम को कम सुन रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा मार्केट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको लगता है कि आपके इश्यूज़ को अच्छे से सुना नहीं जा रहा है। एक या दो थेरेपी सेशंस इनफ होते हैं ये समझने के लिए कि आपकी बातों को वो समझ पा रहे हैं या वो अपने प्रोडक्ट को आपके आगे सेल कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को आपके आगे सेल कर रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाते हैं तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड दैट थेरेपिस्ट, और कोई दूसरे थेरेपिस्ट को आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अभी जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ये चार पांच ऐसे बेसिक से पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं थेरेपी को शुरू करने से पहले। आप प्लीज़ थेरेपी को लाइटली ना लें, आप अपने आप को लाइटली ना लें। जब तक आपको लगता है, और अगर जो कन्फ्यूजन रहती है कि हमें कब लेनी चाहिए कब नहीं लेनी चाहिए, इसी के लिए कंसल्टेशन होती है। आप किसी भी थेरेपिस्ट के पास थेरेपी शुरू करवाने से पहले कंसल्टेशन ले सकते हैं। कंसल्टेशन में यही चीज़ होती है, आपके इश्यूज आप एड्रेस करते हैं और आपके जो थेरेपिस्ट रहेंगे वो आपको बताएंगे कि क्या ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं। अगर आप उन ऑप्शन से कंफर्टेबल फील करते हैं, आपको समझ आते हैं कि आपको एक एक मेंटल इमेज बन रहा है कि हाँ दिस मेक सेंस, तो ही आप प्रोसीड करें। अगर आप खुद से कन्विंस नहीं हैं, राइट, कंसल्टेशन में भी आप कंफ्यूज ही हैं, तो आप समझ जाइए कि वो सही जगह नहीं है या फिर वो सही समय नहीं है थेरेपी के लिए। फिर हम सिचुएशन को आगे चेंज कर सकते हैं, राइट? तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। कुछ और पॉइंट आप ऐड करना चाहते हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। बाय बाय।